प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। बुद्धिमान कबूतर और कबूतरी की तीन बातें गांठ में बांध लेना आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में एक विशाल वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष पर एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा रहा करता था। प्रिय दर्शकों, वो दोनों पति पत्नी बड़े बुद्धिमान थे और प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण बड़ा ही सीधा सच्चा इंसान था। वह बेचारा बदहाली का जीवन जी रहा था, ठीक से परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाता था। लेकिन वह ब्राह्मण उन दोनों कबूतर कबूतरी का खूब ख्याल रखता, उनको खाने को भोजन देता और पीने को शीतल जल देता। ब्राह्मण के दिल में पक्षियों के लिए बहुत दया थी। वह कबूतर और कबूतरी भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश थे। कबूतर को अपने लिए भोजन लेने कहीं जाना भी नहीं पड़ता था, ब्राह्मण भोजन उनके घोंसले में दे दिया करता था। एक दिन कबूतरी कबूतर से कहती है, पियाजी, ये ब्राह्मण मन का कितना अच्छा है, हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु ये आवश्यकता से ज्यादा सीधा साधा है। ये अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है। ये अपने परिवार का पालन भी ठीक से नहीं कर पाता है। कबूतर कहता है, हाँ प्रिय, इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तब कबूतरी कहती है, पियाजी, संसार में यह छह कष्ट बड़े ही दुखदाय होते हैं। पहला, पत्नी का वियोग। दूसरा, अपनों द्वारा किया गया अपमान। तीसरा, बचे हुए कर्ज को ना चुका पाना। चौथा, दुष्ट राजा की सेवा करना। पांचवा, दुष्ट पुरुषों का संग करना। और छठवां, दरिद्रता में जीवन यापन करना। इनके मारे मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता है। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर एक दिन कबूतर और कबूतरी ने आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है, इसके बदले में हमें इसके लिए कोई नौकरी का इंतजाम करना चाहिए ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुख से व्यतीत हो सके। प्रिय दर्शकों, रात भर सोचने के बाद अगले दिन कबूतर और कबूतरी ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप राजा के पास चले जाओ, राजा से कहना कि वह अपने यहां तुम्हें नौकरी पर रख ले, और जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को तुम सुलझा दोगे, और वेतन के रूप में राजा से 100 रुपए रोज मांग लेना। ब्राह्मण कहने लगा है, पक्षियों, इतनी मुझ में काबिलियत कहां है जो मैं राजा की समस्या का समाधान कर पाऊं। खैर, तुम दोनों मुझे कहते हो तो मैं चला जाता हूं। कबूतर और कबूतरी के कहने से गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा जैसा दोनों ने समझाकर भेजा था, ब्राह्मण ने राजा से वैसा ही कह दिया और हर रोज वेतन का 100 रुपए भी मांग लिया। राजा कहने लगा, ब्राह्मण महाराज, जानते हो, 100 रुपए वेतन हमारे यहां मंत्री को भी नहीं मिलता और तुम हमसे 100 रुपए रोज पाना चाहते हो। ब्राह्मण ने सर झुकाकर उत्तर दिया, हां महाराज, 100 रुपए से कम नहीं लूंगा। उधर मंत्री ने पंडित को देखा कि उसका रंग गोरा है, शरीर बहुत कमजोर है, मैले कुचेले फटे पुराने वस्त्र है, सर पर उटपटांग ढंग से पगड़ी बंधी हुई है। उसका हुलिया बता रहा था कि ब्राह्मण बहुत ही गरीब है, फिर भी मंत्री को न जाने क्या सूझी। उसने राजा से कहा, महाराज, इसे आप 100 रुपए में रख लीजिए। यह ब्राह्मण दरिद्र तो है, पर जब 100 रुपए से कम में नहीं मान रहा है तो जरूर इसमें कोई ना कोई खास बात होगी। राजा बोला, मंत्री जी, यदि मैं इसे 100 रुपए वेतन रोज पर रख लूं तो क्या औरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबारी तक इतना रुपए नहीं पाते हैं। मंत्री ने फिर कहा, महाराज, ब्राह्मण यदि 100 रुपए पाने की जिद कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई विशेष बात इसमें होगी। इसके हुलिये को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। मंत्री के ज्यादा आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने यहां रख लिया। शाम को राजा ने गरीब ब्राह्मण को 100 रुपए दिए। 100 रुपए लेकर गरीब ब्राह्मण अपने घर आया और वह रुपए उसने अपनी पत्नी के आगे रख दिए। पत्नी ने आज पहली बार इतने पैसे देखे थे। उसकी आंखें चौंधिया गईं, कहने लगी, जी, आप इतने पैसे कहां से लाए हो? ब्राह्मण ने कहा, देखो, भयभीत होने की कोई बात नहीं है, ये पैसे मैं कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूं। मैं इन दोनों तोता और मैना के कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 रुपए वेतन रोज पाने वाला काम मांग लिया। मंत्री की सिफारिश पर राजा ने मुझे रख लिया, लेकिन मैं यह सोचकर हैरान हूं कि राजा ने रख तो लिया है
अगर कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे कैसे हल करूंगा। तभी कबूतर ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण घबराए नहीं, देने वाला तो ईश्वर है। जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को उन दोनों कबूतर कबूतरी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार से 100 रुपए मिलने लगे। ब्राह्मण वह पैसे लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले तो उन पैसों से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया और बचे हुए पैसों को ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कबूतर और कबूतरी को दे दिया और कहा कि इन पैसों पर तुम्हारा भी अधिकार है। प्रिय दर्शकों, फिर उन पैसों को कबूतर और कबूतरी परोपकार के कार्यों में लगाने लगे। वह उन पैसों से गरीबों को खाना खिलाते, जंगलों में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कराते और धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी ने ब्राह्मण की सहायता से एक पाठशाला खुलवा दी, ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर की उड़ने वाली योग्यता को धन ना होने के कारण पंख नहीं मिल पाते, इसलिए योग्य होने पर भी वह लोग बस लाचार बनकर रह जाते हैं। कबूतर और कबूतरी ने उन रुपयों से नगर के हर एक भूखे लाचारी की सहायता करी। उधर राज्य महल में ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उनसे जलने लगे। वह हमेशा सोचते रहते थे कि मंत्री की मूर्खता के कारण यह पंडित रोज 100 रुपए ले जाता है और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई 100 रुपए वाला काम भी नहीं लिया। प्रिय दर्शकों, एक दिन ऐसा हुआ कि ब्राह्मण की परीक्षा का समय भी आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया और उसने कहा, महाराज यदि आप हमारी दो बातों का सही सही उत्तर देंगे तो हमारे महाराज आपको हमारा आधा राज्य दे देंगे, नहीं तो आपको अपना आधा राज्य देना पड़ेगा, और यदि आपने उनके इस प्रस्ताव को ठुकराया तो वह आप पर आक्रमण कर देंगे। प्रियर्शकों, दूत की बात सुनकर राजा सोच में डूब गया कि अगर दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में रक्तपात होगा। सोच समझकर राजा ने दूत से कहा कि आप अपने राजा के दोनों प्रश्न हमारे समक्ष रखिए। प्रिय दर्शकों, इतना कहते ही दूत ने एक पालकी मंगवाई। उस पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थीं। वह तीनों मूर्तियां संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थीं। तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थीं। दूत ने कहा, महाराज हमारे महाराज का पहला प्रश्न यह है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। यह सुनकर राजा और समस्त दरबारी हैरत में पड़ गए कि तीनों मूर्तियां तो दिखने में एक जैसी है, फिर इनमें श्रेष्ठता सिद्ध कैसे हो सकेगी। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों में अंतर सिद्ध नहीं कर सके। तभी अचानक मंत्री को याद आया कि हमने 100 रुपए वेतन वाले एक पंडित को किस लिए रखा है। उसने तुरंत उस पंडित को बुलाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठता सिद्ध करने को कहा। बेचारे भोले भाले पंडित जी भी मूर्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर को कैसे पता किया जाए। यदि नहीं बता पाया तो राजा नौकरी से निकाल देगा। अब तो दरबार में जलने वाले लोग भी सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, काफी देर मूर्तियों को गौर से देखने के बाद भी पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आया तो पंडित जी ने कहा, महाराज इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं घर होकर आता हूं, लौटकर मैं इन तीनों मूर्तियों में अंतर आपको जरूर बता दूंगा। इतना कहकर पंडित जी अपने घर को चले गए। उधर राजा ने उन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दिया। पंडित जी सीधे अपने घर गए और पूरी बात कबूतर और कबूतरी को बताई। प्रश्न सुनकर कबूतर ने कहा, ब्राह्मण जब तीनों मूर्तियां एक जैसी हैं तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला सा तार उन मूर्तियों के कान में डालना, वह तार कहां निकलता है ये बात आकर मुझे बताना, मैं आपको उनका अंतर समझा दूंगा। अब तो पंडित जी तुरंत राजमहल में गए और मूर्तियों के पास आए और एक पतला सा तार उनके कान में डालकर देखने लगे। प्रिय दर्शकों, पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार दूसरे कान से बाहर निकल गया, दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह मुख से बाहर निकल गया, और तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार बाहर ही नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात आकर कबूतर को बताई। तब कबूतर ने समझाया, ब्राह्मण जिस मूर्ति के कानों के छेद आर पार है, इसका अर्थ है कि वह एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, और दूसरी मूर्ति कांड से सुनकर मुख से निकाल देती है, और तीसरी मूर्ति कान से सुनकर उस बात को पेट में दबाकर रखती है। यही तीसरी मूर्ति उन तीनों में श्रेष्ठ है, जो मनुष्य सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है, उसे किसी से कहता नहीं और समय आने पर उसको प्रयोग में लाता है।
वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है। कबूतर ने जैसा बताया, पंडित जी ने वैसा ही जाकर राजा को बता दिया। दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। पंडित जी के जवाब से सभी दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए और पंडित जी की जय जयकार करने लगे। प्रिय दर्शकों, तभी उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा कि ऐसे व्यक्ति कौन है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से जीवित रहता है। पंडित जी प्रश्न सुनकर फिर भागकर कबूतर और कबूतरी के पास गए। प्रिय दर्शकों, इस बार मैना ने बताया कि हे ब्राह्मण, इसका उत्तर एक तो आप है और एक वैद्य है। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक के कार्य करके पंडित ही दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है, और वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखता है और अपना पेट भरता है। पंडित जी ने यही उत्तर जाकर राजा के सामने रख दिया। पूरे दरबार में पंडित जी की जय जयकार होने लगी। शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में पंडित जी की इज्जत बढ़ गई। प्रिय दर्शकों, एक दिन राजा ने सोचा कि प्रश्न सुनकर पंडित जी अपने घर क्यों जाते थे, जरूर कुछ तो कारण था। राजा के पूछने पर पंडित जी ने बताया कि उनके घर के बाहर एक वट वृक्ष है, उस पर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता है। वह दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं। उनके कहने पर ही मैं तुम्हारे यहां नौकरी कर रहा हूं और उन दोनों ने ही इन प्रश्नों के उत्तर मुझे बताए हैं। यह सुनकर राजा भी बड़ा खुश हुआ। राजा ने दोनों पति पत्नी को अपने महल में बुलवाया और उनसे पूछा है, तुमने यह ज्ञान कहां से प्राप्त किया है? तब दोनों पक्षियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, हमने यह ज्ञान उस ब्राह्मण से ही पाया है जिनके घर में रहते हैं। यह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान है, उन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब वह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करते थे तो हम भी पेड़ पर बैठे बैठे सुनते थे। यह उन्हीं की कृपा का फल है। ये महाराज, वह ब्राह्मण सीधे साधे हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। वह जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का दुख भोगते रहे। इस बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और वह सफल हो गए। राजा कहने लगा है, पक्षियों, हे बुद्धिमान कबूतर और कबूतरी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया है, साथ ही साथ एक राष्ट्र का नाम रोशन किया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? प्रिय दर्शकों, तब कबूतर कहता है, महाराज, मैं चाहता हूं कि हमारे नगर में सभी जीव जंतुओं का जीवन सुखमय हो और कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर भूख या प्यास के कारण ना मरे। प्रिय दर्शकों, कबूतरी कहती है, महाराज, मैं चाहती हूं कि हमारे राज्य में बेटों की तरह बेटियां भी शिक्षा प्राप्त करें। कहते हैं, जहां नारी अज्ञान के अंधकार में भटकती है, वहां कभी सुख शांति नहीं आ सकती। नारी अपनी संतान की गुरु होती है। यदि वह शिक्षित है तो उसकी संतान भी शिक्षित होगी। प्रिय दर्शकों, कबूतर और कबूतरी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतुओं की सेवा को बढ़ावा दिया। प्रिय दर्शकों कहते हैं, जिस तरह सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सौगंध के व्यर्थ हैं, उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना ही रूपवान हो, यौवन से भरपूर हो, बलवान हो, बड़े कुल में पैदा हुआ हो, स्त्री हो या पुरुष, विद्या के बिना दूसरों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, दया के बिना सब व्यर्थ हैं, उसकी कोई शोभा नहीं होती। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहां समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।